टाइम्स में आपका स्वागत। एनसीपी के कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र अवहार ने ली महानगर पालिका में मीटिंग, जिसमें भिवंडी के एनसीपी के प्रेसिडेंट शोएब गुड्डू, मेयर और डिप्टी मेयर भी शामिल थे। उसमें उन्होंने किया कुछ अनाउंसमेंट। बेरोजगारी के ऊपर जगह जगह लगाए जाएंगे कैंप, जिसके जिम्मेदार होंगे शोएब गुड्डू। वो खुद ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं और TWS की ज़मीन पर महाड़ा भिवंडी में 20,000 घर तामीर करेगी। और आज़मी नगर में हुआ जो हादसा, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 से 7 लोग घायल हुए। जिसकी मौत हुई उसका नाम तबरेज़ अंसारी, उसके घर वालों को प्रशासन देगी 5 लाख और बाकियों का इलाज और उन्हें 50,000 रुपये। पूरी डिटेल्स देखने के लिए देखिए इस वीडियो को। नौकरी के सभी लोग आते हैं भिवंडी से, भिवंडी के गोडाउन वाले बहुत सारे आते हैं। मेरी बीवी और ये दोनों मिलके कैंप लगाते हैं। हमने आज तक 501 लोगों को नौकरी दी है, पर यह स्थानिक नेताओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कैंप लगाए। ये अभी ये जिम्मेदारी शोएब गुड्डू लेगा। यहाँ पे हर महीने में एक कैंप लगेगा। ऐसा है, बदलाव क्यों किया जाता है? बदलाव इसीलिए किया जाता है कि जब हमको इस शहर की जिम्मेदारी दी है तो इस शहर में बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। रहे तो क्या मैं चुनाव भी लड़ू क्या? नहीं, मैंने बोला ना, जो मेरे हाथ में है, 20,000 घरों का ऐलान तो मैंने कर ही दिया। 20,000 का कम है क्या? बहुत बड़ी बात। 20,000 का वो इकोनॉमिक रोलिंग समझो कितना होगा, सीमेंट कितना लगेगा, क्या लगेगा, स्टील कितना लगेगा, मजदूर कितने लगेंगे, ये तो मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। मैडम वो बेचारी क्या करेगी? महापौर को कोई अधिकार नहीं रहता, उसको उसको मत घेरो। कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी में सबसे पावरफुल होता है कमिश्नर। मैंने बोला ना उनको, अरे इनके सामने बोला, अरे मैंने बोला ना, वो ईडब्ल्यूएस की जो जमीन है वो माड़ा को दे दीजिए, माड़ा जिम्मेदारी लेती है कि 20,000 घर बना के देंगे वहां पे। सर आप भिवंडी में आ गए हैं, अब जनता कितना इंतजार करेगी? अभी वो जनता के दिल में, मैं क्या बताऊं कि वो कितना इंतजार करेगी। मैं फक्त घोषणा करतो, म्हणजे तुम्ही त्यांच्या घरापर्यंत ही बातमी पोहोचवा। अभी आप जा भी रहे हैं, अब इसको हिंदी में बोल दीजिए। जो दुर्घटना घटी है आजमी नगर में, जो एक आदमी का देहांत हो गया है, उस आदमी को शासन 5 लाख रुपया देगी और जो जख्मी हुए हैं उनका पूरा खर्चा तो करेगी, पर लेकिन 50,000 रुपया भी देगी।